Hey guys, welcome to the Academy and welcome to this very special class on legal aptitude practice questions. How are you guys doing? Kaise ho aap sab log? Welcome to the class, guys, and a very warm welcome to this very special class. Just give me a moment, I'll be back in a second. Good morning, Shivani. It's a nice way to do good morning. Yes. So we'll begin with our questions very soon. कैसे हो आप सब लोग? कैसे क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सब लोगों को. मस्त एकदम. ऑलराइट, चलिए तो शुरू करेंगे क्लास को. मेरा नाम दिव्य है, मैं आपका अकेडमी क्लैट एजुकेटर हूँ. आप ही की तरह एक क्लैट एस्पिरेंट भी था. आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16, क्लैट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17. आई लाइक आई बीन मेंटोरिंग क्लैट एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड हियर एट एन अकेडमी इट इज माय मिशन टू मेक योर क्लैट प्रिपरेशन सिंपल एंड सेंसिबल. साथ ही में दोस्तों फाउंडेशन बैच को क्लैट 24 एंड आईएलए 24 इज हियर, जिसका नाम है लेवल अप, जो कि मार्च 30 2023 से शुरू हो चुकी है. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, शुरुआत से क्लैट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप लेवल अप बैच का पार्ट बन सकते हो. साथ ही में इसके अलावा एक और बैच है, विच इज द वॉरियर्स बैच, जो ड्रॉपर्स बैच होगी. ये 13 अप्रैल से अनअकैडमी पर शुरू हो जाएगी, तो आप लोग इसका भी पार्ट बन सकते हो, है ना. और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप दिव्य कुमार का कोड यूज कर सकते हो, उससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और मुझे भी मदद मिलेगी. और चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चंस को. जस्ट अ सेकंड. मेरे लिए बार बार सर निकल जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आर कंट्री एस. भारत को किस तरह से नाम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन? वैष्णवी से लेकर के अभिषेक तक सब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल वन, ये आर्टिकल वन का पार्ट होता है. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स,
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारे शुरुआत के 5 पार्ट, 1, 2, 3, 4 और 4A। इसका पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट, चौथा है DPHP और चौथा ए है फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले वाले आर्टिकल में या पहले वाले पार्ट में 1 से 4 आर्टिकल, दूसरे में 5 से 11 है, तीसरे में 12 से 33 है, तीसरे में 36 से 51 है और लास्ट में 51A। ठीक, Article 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस एक लाइन में हमको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि भारत के दो ऑफिशियल नाम हैं। आप भारत को भारत भी कह सकते हो या इंडिया भी कह सकते हो, तो ये दोनों नाम क्या होंगे, दिस बोथ ऑफ दिस नेम्स शैल बी एक्सेप्टेबल, है ना, तो हम इन दोनों नाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये दोनों नाम एक्सेप्टेबल होंगे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहाँ पे निकल करके आती है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब एक नॉर्मल सा सवाल आप लोग पूछोगे कि आखिर ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर आए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बताया था कि क्यों भारत यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, तो लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें अंतर क्या होता है, आप थोड़ा बताइए, है ना। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सेव परमल खाए, हाउ मेनी ऑफ यू हैड सेव परमल, पता है आप सब लोगों को सेव परमल के बारे में। नहीं, पैसेज नहीं होंगे प्रतीक, इसमें सिर्फ लीगल नॉलेज क्वेश्चन होंगे। नहीं, चलो तो एक और एग्जांपल, ठीक अगर मान लो हमारे पास ड्राई राइस और ड्राई दाल, और मैं दोनों को मिक्स कर दूं, तो क्या दोनों को अलग अलग करना पॉसिबल है? बहुत मेहनत करने के बाद क्या आप राइस राइस अलग कर सकते हो और दाल दाल अलग कर सकते हो, सूखा है सब? अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, बीन सकते हो ना, चावल और दाल है तो आप चावल चावल अलग कर दोगे, दाल दाल अलग कर दोगे, पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है ना, कर सकते हो ना। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी सब साथ में तो है, लेकिन इनको अलग करना पॉसिबल है ना, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट। ठीक है, साथ ही में अगर मान लो मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए, एक कॉफी, शुगर, मिल्क, ठीक है, और जब आप लोगों ने इसको हीट करके बना दिया, मतलब दूध गर्म करा, उसमें कॉफी डाली, उसमें शुगर डाला, क्या यहां पर इन लोगों को कॉफी बनाने के बाद सेपरेट करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट नाउ? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सेपरेट करना, तो दिस विल बिकम यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत के किसी भी राज्य के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वापस जा सके भारत से बाहर। ऑन द अदर हैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर उस स्टेट की पॉपुलेशन चाहे कि उसको
यूनाइटेड स्टेट से बाहर जाना है तो उसको कोई रोकेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये अपने इंग्रेडिएंट के कैरेक्टर को खत्म करके उसका एक मिक्सअप कैरेक्टर बन जाता है। जब कॉफी, शुगर और मिल्क तीनों को मिला दिया जाता है तो किसी एक का कैरेक्टर थोड़ी होता है, तीनों के फीचर्स होते हैं और मिक्स होकर एक नया फीचर निकल करके आता है। तो ये होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स में, कि हमारा भारत सबको मिला करके, सबको अपने अंदर समावेश करके एक कंट्री बन गया जिसको आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए जब सिख धर्म के लोग या सिख धर्म के एक्सट्रीमिस्ट लोग जब ये बोलते हैं कि उन्हें खालिस्तान चाहिए, तो दे आर गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर भारत यूनाइटेड स्टेट्स होता तो उनकी ये डिमांड लेजिटिमेट होती, क्यों, क्योंकि वहां पे अथॉरिटी है स्टेट्स के पास कि वो बाहर जा सकते हैं। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह से समझाया था, ऑब्वियसली उन्होंने ये एग्जांपल नहीं दिया था, एग्जांपल तो हमने ले लिया है ताकि हमको बेहतर समझ में आए, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर नेवर कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, हमको यूएसआई नहीं कहा जाता है ना। ओके, अभिषेक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज वो भी चाइना के साथ कैसे हो सकती है यार, मतलब हम जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसमें तो हम तैयारी करते हैं कि चाइना से कभी वॉर हो गया तो क्या करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कि अगर मान लो हमारी दुश्मन कंट्री से हमारा वॉर हो गया तो हम क्या करेंगे, और अब ये चाइना के साथ ही कर लेंगे क्या हम एक्सरसाइज, तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। A constitution is, what is a constitution? Hand in hand, एक बार भेजो मुझे। तो अभी तो 10 बच्चे 2-on-2 पे हैं, देखते हैं आखिरी में टॉप कौन करता है, किसके सारे सही रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर ऑफ द स्टेट एंड द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। देखो जनरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी भी होती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ एक आइडिया होता है कि व्हाट वुड द कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हमारा जो डेमोक्रेसी है वो एक रिपब्लिक बन जाती है, ठीक है। एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक कब बनती है, जब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखो यहां पर एक चीज समझना कि जब एक डेमोक्रेसी है और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भले ही डेमोक्रेसी में कोई भी इंसान कुछ भी करे, है ना, कोई भी इंसान उसका किंग हो जाए, उसका राजा हो जाए, उसका प्रधानमंत्री हो जाए, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ही विल बी बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो आज की गवर्नमेंट चाइना में, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, दैट जी जिनपिंग इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, वहां पे कोई चुनाव नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। पुतिन हैज आल्सो डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, इंडिया में भी कोई इंसान आए और बोले कि आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर अ प्रॉपर रिपब्लिक जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें डिफाइन की जाती है। सबसे ज्यादा जो चीज डिफाइन की जाती है उसको हम बोलते हैं स्टेट, सिटीजन, रिलेशनशिप, ठीक है। स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप का मतलब होता है
एक स्टेट की सिटीजन के प्रति क्या ऑब्लिगेशन होगी, क्योंकि जनरली हमको फंडामेंटल राइट्स में मिलती है, और फिर सिटीजन स्टेट से किस तरह से ट्रीट करेगा वो हमको फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलती है। तो एक ये इस तरह की रिलेशनशिप हमको फंडामेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी। अगर एक वापस से हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर पे जाए, ये जो पार्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है, पहला यूनियन इट्स टेरिटरी, तो इंडिया कितना है, इंडिया क्या है, ये बताया गया। सेकंड सिटीजनशिप, इंडिया में कौन सिटीजन होगा, तो मतलब इंडियन कौन है, तो पहले में हमको क्या बताया इंडिया क्या है, सेकंड में हमको क्या बताया इंडियन कौन है, ठीक है, पहला दूसरा समझ में आया। तीसरा है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यानी कि इंडियंस को इंडिया का स्टेट क्या क्या अधिकार देता है। फोर्थ इंडिया इंडियंस को इंडिया का स्टेट क्या क्या अधिकार देना चाहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर गोल्स, आइडियल विजन, और उसके बाद फोर्थ ए फंडामेंटल ड्यूटीज कि इंडियंस इंडिया के खिलाफ क्या, सॉरी इंडियंस इंडियन इंडिया के स्टेट के प्रति क्या क्या ड्यूटीज रखते हैं। तो ये सारी चीज बता दी। तो इन पांचों चीजों में आपको दिखेगा ना कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन, कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच की रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं, पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं, जुडिशरी के बारे में बताते हैं, फिर हमको वहां के नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बताते हैं, स्टेट जुडिशरी के बारे में बताते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं, फिर सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे बताते हैं, है ना, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह मिसलेनियस मैटर्स पे बताया जाता है। तो जनरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पर्पस क्या है, ये बताना कि स्टेट के पावर क्या होंगे और सिटीजंस के राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगे। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर? नहीं, तो देखो ये था हमारा 2019 में, 2019 के बाद भी हुआ है क्या? क्या ये 2019 के बाद भी हुई है एक्सरसाइज, आफ्टर आर गलवान क्लैश? नहीं हुई ना, क्योंकि देखो अब चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज नहीं हो सकती, देयर इज नो सेंस। ओके, तो 2019 वाज अ डिफरेंट ईयर, बिकॉज 2020 में हमारा इतना दुश्मनी हुई है, 2019 में तो फिर भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप है ना, 2015-16 में तो वहां के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ के साथ इंडिया आए थे घूमने, है ना, अब नहीं हो सकती। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Very nice. Ritao ji, my day has just started. Yes, 100%. So, abhi bhi, there are 10 people on the leaderboard. Somedeep is topping the test. Dekhte hain kaun aakhri mein top karta hai.
फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में से हम किसको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? जैसा कि आप सब लोगों ने सही बताया, इट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक चेयरमैन थे विच वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काम क्या था? कि जो लोग भाषण देने आ रहे हैं वो किस ऑर्डर में आएंगे, वो कितनी देर बोलेंगे, क्या वो कुछ गलत बोल रहे हैं, ये सारी चीजों को देखने का काम। तो इट वॉज बेसिकली लाइक अ मॉनिटर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असल में ड्राफ्ट कौन कर रहा था? वो थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। जो हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रहा ना 395 आर्टिकल्स का, वो 395 के 95 आर्टिकल ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिखे। जब उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को लिख लिया तो एक एक करके वो जाते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास और वो अपना लिखा हुआ चैप्टर प्रस्तुत कर देते कि ये चैप्टर है। उस चैप्टर पे आप मान लो 70-80% आर्टिकल्स तो थे वो बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी डिस्कशन के पास हो जाते थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम अच्छा करा था। और सेकेंडली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल रहते थे, ये कहना कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, इस पे किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती। कि द स्टेट शैल नॉट अलाउ प्रोस्टिट्यूशन या बेगार, है ना, इस पे कोई ये तो नहीं कह सकता कि नहीं प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करेंगे या बेगार अलाउ करेंगे। तो कई सारे ऐसे आर्टिकल थे जिन पे किसी भी तरह की डिबेट संभव ही नहीं। तो वो सारी चीजें हमने क्या करा, वो सारी चीजों पर यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं हुई। बाकी 30% चीजों पर या 20% चीजों पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट होती। यानी कि अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर किसने बनाया, स्ट्रक्चर बनाया ड्राफ्टिंग कमिटी ने। बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो तो छोटे मोटे चेंजेस करती, है ना, किसी ने इधर चेंज कर दिया, किसी ने वो चेंज कर दिया, किसी ने इतना पार्ट काट दिया, किसी ने इतना पार्ट ऐड कर दिया, ये होता था। तो इसलिए हम बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है, अब आप देखो ना, एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? आर्किटेक्ट का काम होता है कि पहले पूरे डिजाइन बना देना, है ना, और डिजाइन के हिसाब से वो अपने क्लाइंट को एक स्ट्रक्चर दे देता है कि ये आपके डिजाइन रहेगा घर का। फिर इवेंचुअली कई बार ये भी होता है कि जब डिजाइन हो जाता है घर, तो उसके बाद कई सारे इंटरनल डिजाइनर आ जाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स, वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। या फिर जब घर बन रहा है तो क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार ये गैलरी थोड़ी सी बड़ी कर दो, तो थोड़ा बहुत उस समय चेंज हो जाता है। वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करती थी। लेकिन प्राइमरी आर्किटेक्ट कौन हुआ इसके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए और बाकी सारे मेंबर्स हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर तो काम कर ही रहे थे, उनके साथ कई सारे लोग और भी काम कर रहे थे। तो एवरी वन वॉज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य थे सब लोग। ठीक है, ऑलराइट, ये बात हमको समझ में। अब इसके अलावा और क्या जानना है हमको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म April 14, 1891 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था महू में, महू इज मध्य प्रदेश। ठीक है, अब महू को ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर भी बोलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नगर इसका ऑफिशियल नाम कर दिया गया है। तो इसलिए अप्रैल 4 को हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, विच इज ऑफिशियल हॉलीडे, ये हॉलीडे होता है। और अभी आप अप्रैल 14 को देखना, आपको भी एक हॉलीडे दिया जाएगा, है ना। इस बार होपफुली अप्रैल 14 को कोई संडे तो नहीं आ रहा है, नहीं सैटरडे आ रहा है। ठीक है, तो अप्रैल 14 को आपको इस बार हॉलीडे दिया जाएगा। ठीक है, यस, चलिए उसके बाद क्या हुआ? He was born in a Dalit family. अच्छा, फ्राइडे आ रहा है क्या? चलो और अच्छा, वेरी नाइस, तो लोगों को अच्छी छुट्टी मिलेगी फिर। तो इनका जन्म एक दलित फैमिली में हुआ। उनको शुरू से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोशल एक्सक्लूजन होता था। इनफैक्ट ये अपनी जीवनी में लिखते हैं या ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि कैसे स्कूल में ही कुड नॉट सिट इनसाइड द क्लासरूम। तो मान लो यहाँ पे क्लासरूम है, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, और डॉक्टर अम्बेडकर को एकदम साइड में खिड़की के बाहर बैठना पड़ता था, और खिड़की से जो आवाज आती है उससे वो पढ़ के सुनते थे, है ना। तो अब सोचो, ये ना तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते, और अगर इनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि खिड़की में कई बार आवाज नहीं आएगी, तो ये क्लैरिफिकेशन भी नहीं ले सकते। उसके बावजूद ही बिकेम अ लीडर,
नॉट जस्ट अ ग्रेट लॉयर, ये बहुत अच्छे लॉयर बने, ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बने, ये बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट बने, ये एक पॉलिटिशियन भी थे और ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। मिशन क्यों नहीं लगाया इन्होंने, मतलब अभिषेक ने समझा नहीं मिशन क्यों नहीं लगाया। अभी वो आस्किंग डॉक्टर अंबेडकर मिशन क्यों नहीं करते थे, ये बहुत बड़े थे मिशन, ही न्यू मच मोर देन मिशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इनमें लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, है ना, ये सारी चीजें इनके पास थी। अब यहाँ पर इसके अलावा ये बहुत सारी किताबें लिखते थे, है ना, और इनकी किताबें तो रिलीजन तक पे लिख दिए। और इन्होंने ओवर टाइम क्या करा, ओवर टाइम ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। एंड इनफैक्ट ही वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। और जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही वन द इलेक्शन 1952 में ही वन विद अ ग्रेट मेजोरिटी, बहुत कम लोग थे जो सामने वाली पार्टी से जीत करके आए थे, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ दोज पीपल। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरी पूरी सरकार में कोई ऐसा सांसद नहीं है जो लॉ के बारे में भीमराव से ज्यादा जानता हो, और इसलिए अगर कोई व्यक्ति इंडिया का लॉ मिनिस्टर बन सकता है तो वो सिर्फ भीमराव। तो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम ऑपोजिशन डॉक्टर अंबेडकर वाज मेड द लॉ मिनिस्टर। तो देखो उस समय की सरकार कितनी अच्छी रही होगी ना कि आप ऑपोजिशन से किसी को लॉ मिनिस्टर बना रहे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लॉ जानते, तो उनको क्या कर दिया, लॉ मिनिस्टर बना दिया था। अब जब ये लॉ मिनिस्टर बने तो इन्होंने बोला कि हमको सबसे ज्यादा जो रिलीजन के कानून हैं उनको यूनिफॉर्मलाइज करना, तो इसके लिए आया था एक हिंदू कोड बिल, और मुस्लिम कोड बिल। जब सरकार ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया तो कई सारे लोगों को उससे बहुत आपत्ति हुई कि हमारे रिलीजन के कानून है, आप उसको किस तरह से बदल सकते हो। तो सरकार ने बताने की कोशिश करी कि हम बदल नहीं रहे, उनको लेजिस्लेट कर रहे हैं ताकि कोर्ट्स को भी क्लैरिटी रहे कि क्या कानून है, और हिंदू धर्म इतना बड़ा है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं कि यार कौन सी वाली हम नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरह से हिंदू कोड बिल आया, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट आई, हिंदू अडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट आई, हिंदू मैरिज एक्ट आई, ये सारी एक्ट्स आए, है ना, हिंदू कोड बिल में, और ये पास कर दिया गया। लेकिन बहुत अपोजिशन है, इतनी अपोजिशन के बाद सरकार ने मुस्लिम कोड बिल लाने का जो पर्पस था या जो इंटेंशन था उसको खत्म कर दिया। उनको लगा कि हिंदू कोड बिल में इतना अपोजिशन है, मुस्लिम कोड बिल में तो ज्यादा अपोजिशन होगा, और साथ ही में एक ऐसी कम्युनिटी जो अभी धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीख रही है भारत को, क्योंकि तो 1947 के बाद क्या हुआ ना, कई सारे लोग मुस्लिम लोगों को बार बार बोलते थे कि आप लोग तो पाकिस्तानी, तो मुस्लिम लोग जनरली ये सुनते थे। आज भी ये सच है हमारे भारत में कि कुछ मुस्लिम बच्चों को उनके दूसरे दोस्त ये कभी कभी कहते थे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, तो उन लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, तो सरकार ने बोला कि यार अभी ये कम्युनिटी ट्रस्ट करना सीख रही है तो हम इनके इनके रिलीजियस कानून को बदल देंगे तो फिर तो ये हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और इंडिया में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन या राइट्स वगैरह हो सकते। तो उन्होंने मुस्लिम कोड बिल नहीं लेकर के आए सरकार उस समय, और इस बात से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खफा हो गए। उन्होंने बोला कि सरकार रिलीजन के लॉ को यूनिफॉर्म करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए उतना काम नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए, और इस तरह से उन्होंने लॉ मिनिस्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया, ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लॉ मिनिस्टर। और साथ ही में ही पास्ड अवे इन 1956, एंड इन हिज लास्ट ईयर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बुद्धिज्म की प्लेज ली थी, ठीक है, तो 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। शिवानी इसका एक बहुत बड़ा कारण था, बिकॉज ही वॉज डिसिल्यूजन विद द हिंदू रिलीजन, ठीक है, तो इनको हिंदू रिलीजन से कई सारी शिकायतें थी। ठीक है, इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर वॉज डिटरमाइनिंग
कि उनको कौन सा रिलीजन ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रीफली ये भी सोचा कि क्या उन्हें इस्लाम ज्वाइन कर लेना चाहिए, एक काफी दिनों तक उन्होंने ये सोचा कि क्या उन्हें सिखिज्म को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और कुछ समय उन्होंने ये भी सोचा कि क्या उन्हें जैनिज्म ज्वाइन कर लेना चाहिए। फाइनली ही डिसाइडेड अपॉन बुद्धिज्म, और उन्होंने अपने ढेर सारे फॉलोअर्स के साथ नागपुर में बुद्धिज्म की शपथ ली थी। ही डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म इन नागपुर, ठीक है। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? ओके, सौम्यदीप से लेकर के जागृति तक 7 लोग अभी भी 4 on 4 पे हैं, वेरी नाइस, है ना। तो सौम्यदीप, जया, वैष्णवी, अभिषेक, स्नेहा, अनुश्री और जागृति, और सौम्यदीप और जया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.3 seconds का है। हम श्योर यहाँ पे भी टक्कर अभी मिल रही है। ओके, हाय हिमांश, हू प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट वॉज डॉक्टर, नहीं, नॉट डॉक्टर, इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो इट वॉज ड्यूरिंग डिसम्बर दैट इट स्टार्टेड, इट डिसम्बर 1946 में। उसके बाद दिसंबर 1946 के बाद आप ये देखते हो कि 9 दिसंबर से प्रोसेस शुरू हुई, 20 दिसंबर 1946 को आते आते द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ब्रोक फॉर द विंटर ब्रेक, विंटर ब्रेक के लिए उन्होंने सभा को स्थगित कर दिया। इसके बाद जब विंटर ब्रेक से वो लोग वापस आए, तब एक बात सामने आई कि उस समय के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, वो तो वैसे क्लेमेंट एटली बन गए थे, तो एक बड़े लीडर इंग्लैंड के थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में एक बयान दिया कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिर्फ हिंदुओं में जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर के बोला कि दुनिया वाले हमारे बारे में कई गलत गलत चीजें बोल रहे हैं, है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज है, बाकी सारे रिलीजन के लोग भी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, यहाँ पे दलित, आदिवासी और सारे तरह के लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब समय आ गया है हम दुनिया को और भारत के लोगों को ये बताए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि यार ये जरूरी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को पता हो, एक तो इंटरनेशनली एक मैसेज चले जाए कि इंडिया ये काम कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, और दूसरा इंडिया के लोगों को भी पता चल जाए ताकि कल से कोई भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ गलत सलत बातें कहें तो उन्हें पता हो कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज की थी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज करी थी, जो हमें बता रही थी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, है ना, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवेंचुअली द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, है ना, एंड इट बिकेम द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज लाइक द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, किसी भी बुक को आप पढ़ते हो तो उसमें प्रीफेस होता है ना, तो प्रीएम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रीएम्बल
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो जवाब आता है सुप्रीम कोर्ट से कि यस, प्रीएम्बल इज इंडीड द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब जब सुप्रीम कोर्ट को या किसी को भी इस बात पे संदेह होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमसे क्या कहना चाहते थे, तो वी गो एंड वॉच द प्रीएम्बल। हम प्रीएम्बल के आधार पर उसको इंटरप्रेट करते हैं। क्या आप में से कोई प्रीएम्बल को एक बार क्वेश्चन टाइप में भेज सकता है क्या, क्योंकि हम उसको एक बार स्टडी करेंगे। Here we go. The Constitution of India, preamble. We, the people of India, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या बोला है? हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो हर शब्द का मतलब समझो। हम भारत के लोग, हमने solemn तरीके से रिजोल्व करा है। रिजोल्व करने का मतलब होता है डिसाइड, और solemnly का मतलब होता है पवित्र तरीके से। तो हमने पवित्र तरीके से ये डिसीजन ले लिया है कि हमारा भारत सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, दैट नो वन कैन रियली डिक्टेट अस व्हाट टू डू। ना तो कोई हमको अंदर से बता सकता है कि भारत को क्या करना चाहिए, ना कोई विदेशी ताकत आकर के बता सकती है कि भारत को क्या करना चाहिए। हम पूरी तरह से सॉवरेन है। ये शब्द आपको बार बार न्यूज चैनल में मिलता है कि किसी नेता ने कोई बयान दे दिया वो भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ था। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? The ability of the Indian government to take its own decision without any interference from abroad or any other person not belonging to the rightful place of giving advice to the government. Okay, तो ये हो गया sovereign. दूसरा है socialist. Socialist यानी कि हमारी economy welfare economy होगी, पूरी तरह से capitalist economy नहीं होगी, और यहाँ पे गरीबों के भलाई के लिए policies बनाई जाएगी। तो जो government की policies होगी वो गरीबों के भलाई के लिए होगी। However, जो हम utopian socialism देखते हैं कि complete socialism क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह की private property होती ही नहीं, हमने ऐसा नहीं करा। तो हम preamble में बोलते जरूर है socialist, लेकिन India capitalism की तरफ जाता जा रहा है, और लगभग capitalist economy हमारी हो चुकी है। तीसरा secular, secular का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि the state shall not interfere in any religious activity as long as it aligns with constitutional morality. इसका ये मतलब होता है कि आप अपना रिलीजन आपको जिस तरह से चलाना है आप चलाओ, लेकिन हाँ, कभी अगर वो किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के खिलाफ है, तो हम आपके रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभिषेक ने एक नया रिलीजन बनाया अभिषेकिज्म, और इसमें ये वो बोलता है कि हमारे रिलीजन में हम लोगों को 3 दिन तक बहुत डंडे मारेंगे, तभी वो क्या होंगे, हमारे रिलीजन के लोग कहलाएंगे। तो यार इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो अभिषेक कि हमारा एक रिलीजन जिसमें जो लोग हैं हमेशा लाल कपड़े पहनेंगे, तो ठीक है ये रिलीजन आप बना लो, क्योंकि इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप बना लो एक रिलीजन जिसमें सब लोग लाल कपड़े पहनेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारे जितने भी डिसीजन होंगे वो हमारे नेता लोग लेंगे जो कि हम चुनेंगे। और रिपब्लिक यानी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी भी चुने हुए लीडर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से रिस्ट्रिक्टेड होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक और मतलब ये होता है, डेमोक्रेटिक यानी कि लीडर को चुना जाएगा, और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति लीडर बन सकता है। कई सारी कंट्रीज में क्या होता है, लीडर बनने की पावर हर इंसान को नहीं होती। मान लो एक कंट्री ऐसी जिसमें एक राजा है और उसके 4 बेटे हैं। Instead of saying that the eldest son will become the king, राजा ने ये बोल दिया कि पूरी प्रजा को कि आप इन चारों से चुन लो और वोट दे दो कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको हम राजा बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए डेमोक्रेटिक तो हो गया लेकिन रिपब्लिक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे उस पब्लिक के, उस प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार नहीं था।
ठीक है, क्लियर हो गया इतना पहला पार्ट? इज द पार्ट क्लियर टू यू दोस्तों? ठीक है, अब यहां पर आएगा जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस यानी कि न्याय, लेकिन न्याय किस तरह का? एक तो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होगा कि कल से आपको कोई भी सोसाइटी में ऊंचा नीचा नहीं बोल सकता, बड़ा छोटा नहीं बोल सकता, सारे रिलीजन एक होंगे, सारी कास्ट एक होगी, सब कुछ एक होगा। इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का मतलब होगा कि सबको इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाएगा और सबको ये बोला जाएगा कि आप लोग, सब लोग किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो, किसी भी तरह के प्रोफेशन में जा सकते हो। और पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि आप लोग अगर चाहो तो कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हो, वोट दे सकते हो, तो पॉलिटिकली भी आप लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। आप जो सोचना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, जो मानना चाहते हो, जिस पर विश्वास रखना चाहते हो और जिसको पूजना चाहते हो, तो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इसकी आजादी भी आपको दी जाएगी। इसमें आपको स्टेट या कोई और पार्टी आकर डिक्टेट नहीं करेगी कि आपको यही काम करना चाहिए या ऐसे ही काम करना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और इक्वालिटी भी कैसी होगी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की होगी। यानी कि आपका स्टेटस, जो मैंने आपको सोशल जस्टिस बोला था वही, और आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ ही में हम सब लोगों में प्रमोट करेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदर, है ना, कि हम सब एक है, ये वाली चीजें हम प्रमोट करेंगे। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इससे क्या हो कि इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे, है ना, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना हो, और भारत की एकता और अखंडता। यूनिटी मतलब सब एक है, और इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रल है, अलग अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, अखंड है, है ना। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो इसलिए हम उस दिन क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबको ये constitution दे रहे हैं, ठीक है? Clear हो गया? भैया new religion pass करने का हक किस court के पास होता है? I mean district court allow कर सकता है new religion? आयुष, ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है कि हमने हमारा नया रिलीजन बना लिया। आप अपना नया रिलीजन खुद ही बना लो, आप डिक्लेयर कर दो कि मैं एक नया रिलीजन बना रहा हूँ आयुष। इसकी कोई प्रोसेस नहीं है कि इस तरह से रिलीजन रजिस्टर होता है। जब आपके यहाँ सफिशिएंट लोग हो जाएंगे और वो अपने फॉर्म वगैरह में डिक्लेयर करने लगेंगे हम आयुषिज्म को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि ओवर टाइम गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज कर ले। When did India's first linguistic state of Andhra Pradesh came into existence? कितनी तारीख को आंध्र प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया था?
स्वामिदीप अभिषेक स्नेहा जया वैष्णवी अनुश्री जागृति ऋषु श्री एंड युवाज। देखो इंडिया का पहला स्टेट जो था ना आंध्र प्रदेश, वो आया था 1 अक्टूबर 1953। इसके कारण क्या था कि जो आप पुराना आंध्र प्रदेश देखोगे तेलंगाना से जब टूटा था उससे पहले, तो आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा था वो दो जगह आता था, एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी में और एक हैदराबाद स्टेट में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी की मेन ऑफिशियल लैंग्वेज थी तमिल, है ना, तो तमिल उसकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और हैदराबाद स्टेट की ऑन द अदर हैंड जो लैंग्वेज थी वो थी हैदराबाद में निजाम उर्दू वगैरह बोलते थे। तो आंध्र के लोगों को चाहिए था कि उनका सेपरेट स्टेट हो, क्योंकि वो लोग तेलुगु भाषी है और उनका एक कल्चर अलग है, तो वो डिमांड करने लगे कि एक तेलुगु लोगों के लिए अलग से स्टेट बने। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि यार अगर भाषा के आधार पर स्टेट बनाने लगेंगे तो भारत में तो इतनी सारी भाषाएं, और इतनी सारी भाषाएं होने के कारण हम कितने स्टेट बनाएंगे, ये तो ठीक बात नहीं है, इतने सारे स्टेट कैसे बनाएंगे। तो उसके बाद एक इंसान हुए, एक श्री राम और मुरली राजू, जिन्होंने यहाँ पर क्या करा, वो वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए, और हंगर स्ट्राइक पे जाने के बाद 54 डेज में उनकी मौत हो गई। इट वॉज एन आमरण अनशन, है ना, फास्ट अनटू डेथ। और जैसे ही उनकी मौत हुई तो हम देखते हैं कि पूरे आंध्र प्रदेश में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट होने लगे, है ना, क्योंकि लोगों को गुस्सा आया उनके नेता की मौत हो चुकी थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब समय ज्यादा हो चुका है, इट इज टाइम नाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर स्टेट, और उसके बाद उस प्रोटेस्ट के देखते हुए आंध्र प्रदेश का स्टेट बना दिया गया। अब जब आंध्र प्रदेश का स्टेट बना दिया गया, तब तो ये बात थी कि ये स्टेट को आपने भाषा के आधार पर बना दिया है, तो आपको बाकी स्टेट्स को भी भाषा के आधार पर बनाने ही पड़ेगा, है ना, आप ऐसे रुक थोड़ी सकते कि आपने एक को बना दिया दूसरे को नहीं बनाओगे। तो फिर हम देखते हैं कि आगे चल करके बाकी स्टेट्स को भी भाषा के आधार पर बनाया गया, तो भाषा के आधार पर कई सारे और स्टेट्स बनाए गए, जो कि बने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से, जो कि 1954 में बना था, 56 में उसकी रिपोर्ट आई, और उसका नाम था फजल अली कमीशन। तो जस्टिस फजल अली वाज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया, और उन्होंने बोला कि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक लाइन्स पे बांटा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस, चलिए दोस्तों यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। लेट्स क्लैप इट, अनअकैडमी, लेट्स क्लैप इट, हैव अ ग्रेट डे एंड वी विल मीट अगेन। अभी मैं कुछ देर रुकूंगा आप लोगों के डाउट्स के लिए, है ना, लीडर बोर्ड आपको दिखा देता हूँ। यस, 1 बजे हम करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, आप लोगों से कितने अच्छे से द हिंदू आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, है ना। सौम्यदीप अभिषेक स्नेहा जया वैष्णवी अनुश्री जागृति ऋषु श्री एंड युवांश, वेरी वेल डन, वेरी गुड। रितु, मिशन 35+ एक क्लास है जो हर रात 10:30 बजे होती है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स, ये क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट्स कैन बी इन सम केसेस। शिवानी, तो ये पूरा सेंटेंस लाओ, आपने बस एक फ्रेज लेकर के आ गए, उसके पहले क्या लिखा था ऑथर ने, जब तक वो नहीं पता होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली वो बोल रहा है। भैया अडॉप्टर एनेक्ट तो अलग अलग होता है ना, तो प्रियम्बल में अडॉप्टेड एनेक्ट सेम डेट पे क्यों है? नहीं, अडॉप्ट और एनेक्ट एक ही होता है, एनफोर्स अलग होता है। ठीक है, अडॉप्ट करना मतलब हमने अपने आप को दे दिया, अडॉप्ट कर लिया, और एनेक्ट मतलब उसको लेजिस्लेट कर दिया, उसको कानून बना दिया, लेकिन कानून लागू कब से करेंगे उसको एनफोर्स बोलेंगे। तो अडॉप्ट और एनेक्टमेंट तो 26 नवंबर 1949 को हुआ है, लेकिन एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ। अरे अभिषेक अभी दिखाया भाई मैंने लीडर बोर्ड,
ये देखो, नहीं, स्वराज, इससे अच्छा आप ल्यूसेंट की जीके पढ़ लो, है ल्यूसेंट जीके बिल्कुल पेपर। नहीं जया यार, SDG याद करने की कोई ट्रिक नहीं है ना। और ओवर टाइम आप जो शुरुआत के 5 SDG उनको देख लो, या उसको प्रिंट करा के अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो, तो ओवर टाइम याद हो जाएंगे। ठीक है, यस। वे एनएलपी सेशन स्टार्ट होने तक आज से कुछ बुक्स बता देंगे प्लीज, जिससे कॉलेज में हेल्प हो सके। नहीं, समय दे पैसे, कोई किताबें मत पढ़ो, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग नॉन फिक्शन एंड फिक्शन बुक्स, है ना, उनको पढ़ने लग जाओ। लॉ की किताबें तो एनएलयू में खूब पढ़ लोगे, तो यू विल रियलाइज कि क्यों नहीं मैं पहले पढ़ रहा था, है ना। इससे अच्छा किताब पढ़ने की हैबिट डाल लो, तो प्लीज रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, हर हफ्ते 2 बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऋषु, थैंक यू अभिषेक, यस। काम करो सोमदीप, आप मेरा नाम सर्च करके गुडरीड्स पे जाओ, है ना, दिव्य कुमार का गुडरीड्स, वहां पे मैं जितने भी किताबें पढ़ता हूँ और उनकी मेरी क्या रेटिंग है, मैंने उनको 4 स्टार दिए, 5 स्टार दिए, वो सब मिल जाएंगे। तो 100 से ज्यादा बुक जो मैंने पढ़ रखी है, वो मम्मी ने वहां पे डाल रखी है, तो आपको वहां से मिल जाएगी। अरे वाह सोमदीप, वेरी वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी फॉर यू भाई। अरे वाह समृद्धि, थैंक्स अ लॉट भाई। यस, यू ऑल एट 1 PM, प्लीज फील फ्री टू लीव द क्लास अनलेस यू हैव एनी डाउट।
नहीं, वो देख सकता है मैसेज, समझे, आपके मैसेज भी सब लोग देख सकते हैं, डोंट वरी। नहीं, आप देख सकते हैं, वो हटा दिया कि स्पेशल वर्क का नहीं देख सकते।